ये किसके कारण हुआ कि 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है और जो पार्थिव शरीर है उनकी बेटी का उसको देखने भी नहीं दिया जाता है। ये निर्ममता बनर्जी नहीं है तो क्या है? 3 घंटे तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा कि वो अपनी बेटी का पार्थिव शरीर देखे। एंड व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज द चेंज इन वर्जन। एज आई सेड, योर डॉटर इज अनवेल, योर डॉटर हैज कमिटेड सुसाइड, एंड देन व्हेन दे रीच दे आर मेड टू वेट फॉर 3 आवर्स एंड अल्टीमेटली दे डिस्कवर दैट द बॉडी ऑफ देयर चाइल्ड इज लाइंग देयर एंड दे वर मेड टू वेट फॉर 3 आवर्स। सो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शील्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम। सेकेंड, FIR लिखी जानी चाहिए थी तुरंत। ये बड़ा मुद्दा है और ये पीड़ित परिवार ने उठाया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल को FIR दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन FIR नहीं दर्ज कराई जाती है। कहा जाता है अननेचुरल डेथ केस है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी कि इस सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारी बहनें, सारे डॉक्टर्स और नागरिक सुरक्षित हों, वो प्रिंसिपल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में लगा है। FIR नहीं दर्ज कराता जो उसकी जिम्मेदारी है। और ममता बनर्जी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है इसमें। ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है? उसको एक और कलकत्ता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होती है, प्रिंसिपल को रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो इसमें हाईकोर्ट ने कहा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, ये चिंताजनक है। ये लाइन दिखाती है किस तरह से ममता सरकार सो रही थी और प्रिंसिपल भी सो रहे थे। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बेयर इन माइंड द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द रेजिग्नेशन। देयरफॉर इवन अज्यूमिंग द रेजिग्नेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, द लीस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल हायर ऑफिशियल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इज टू इमिजिएटली रिलीव द प्रिंसिपल फ्रॉम हिज ड्यूटीज एंड नॉट असाइन हिम एनी ड्यूटी ऑफ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। And what does the High Court direct after that? The High Court directs that the lawyer, and I quote, direct his client to immediately proceed on leave, failing which the court will be compelled to pass necessary orders. ये दूसरा सवाल। ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी हैं, वो खड़ी हैं तो उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी है। और जो आरोपी है वो खुले में घूम रहे हैं अभी भी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। क्या ये चिंताजनक नहीं है?